जय सु गुड मॉर्निंग। तो हमने जैक निकली गोपुर परिस आज आदान का जो शादिया है शादिया शीशा है तो चला एक तरह यूट्यूब में हमने थोड़ा लॉकेक लग गया हुई है ट्रेन आई है आगू दिखे दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत ना नरकदूत, ना वर्तमान ना भविष्य, ना आकाश या पाताल, कोई शक्ति और ना समाज सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। एकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिसे हम उसकी द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्रों को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हम को भी एक दूसरे की प्यार करना चाहिए। ईश्वर की किसी ने कभी देखा नहीं, यदि एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमसे हमें निवास करता है और ईश्वर की प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यह प्रभु का वाणी है। संत माती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 वचन संख्या 3-6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से
अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नार नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। सिस्टर्स, पेरेंट्स, आज हम लोगों के साथ में ये पुण्य अवसर पर ब्रदर जेकब और ब्रदर जॉब हम लोगों के साथ में है, एक थियोलॉजी पढ़ते हैं और एक फिलोसफी पढ़ते हैं। और हम लोगों का तीनों हैं प्रचारक, मत्तियास, मरकुस और उमानंदो बसुमतारी। और हम लोगों का ये पंडित का बड़ो लाइन के प्रचार पैट्रिक और बाकी बहुत बस्ती से बगान से आया हुआ प्रचार लोग। और प्यारे हम लोगों का आज मुख्य शरारती है बड़े बंधु विभागित होने वाले सब भाई बहनों माँ विद्यालय सब लोग जय यीशु, जय यीशु।